बेहद खूबसूरत YouTube चैनल, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑन माय YouTube चैनल। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए हैं कि इस वीडियो में मैं किस चीज पर रिएक्ट करने वाला हूं, बट फॉर योर सेक मैं आप लोगों को कर देता हूं पहले एक्सप्लेन। तो फिलहाल अभी मनीषा रानी के बैक टू बैक दो गाने आए हैं, एक आया है उसका टोनी कक्कर के साथ जिसका नाम है जमुना पार, और अभी अभी उसका एक गाना रिलीज हुआ है पायल देव के साथ जिसका नाम है नजर ना लगे। तो ये गाना वैसे तो मैं सुन चुका हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल और मैं आपको अपने रिव्यूज दूंगा इस गाने से रिलेटेड। और जमुना पार से भी आप ये सोच रहे होंगे कि जमुना पार जो सॉन्ग है वो पहले रिलीज हुआ है तो उसके ऊपर रिएक्शन तो पहले आना चाहिए, पर इसका पहले क्यों आ रहा है? सो गाइज, मैं आपको बता दूं उसकी वीडियो में कुछ ग्लिच की वजह से वो वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो पाई थी, बट आई हैव मेड दैट वीडियो अगेन और वो वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। जमुना पार के ऊपर मेरा रिएक्शन बहुत जल्द आने वाले क्योंकि मनीषा रानी की हर एक चीज पर होती है हमारी नजर 24/7। बिग बॉस खत्म हो गया पर मनीषा रानी की लाइफ हम लोग एनालाइज करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि मनीषा रानी इज द बेस्ट #OnePiece। मनीषा रानी शीला की जवानी लोगों के दिल में चलती एक अधूरी कहानी। तो फिलहाल लाइक इसमें मनीषा रानी के जो भी आउटफिट्स हैं, मनीषा रानी के जो इस सॉन्ग के BTS हैं वो उनके चैनल पे हमने देख लिए हैं, उन्होंने अपने BTS डाले हैं तो वो भी हमने देख लिए हैं। तो उनको देखने के बाद हमें पता लगा है मनीषा रानी के इसमें 3 आउटफिट्स हैं, जैसे कि मैं गाना देख भी चुका हूँ तो गाने में भी उसके 3 आउटफिट्स हैं और उसके को स्टार के साथ उसकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। सो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। फिलहाल फटाफट से लेट्स प्ले द वीडियो। हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है, हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है। तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लीजिएगा, हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। मतलब जो इसमें ये वाला सेगमेंट है जैसे मनीषा रानी की आवाज इन्होंने डाली है सॉन्ग में, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट थिंग। मुझे काफी अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा लीड में होता है जाना पहचाना चेहरा तो उसकी आवाज अगर डाल दें शुरू में तो काफी ना ऑडियंस से कनेक्टेड फील होता है। सो दिस इज द थिंग विच आई एम लाइक अट्रैक्टेड द मोस्ट और आई रियली लाइक मनीषा रानी जैसे बोलती है, एकदम ऐसा लग रहा है अपने असली दूल्हे को ही बुला रही है। मनीषा रानी का यही स्टाइल होने वाला है अपनी शादी में बुलाने के लिए अपने दूल्हे को। कितनी सुंदर आंखें दिखाई है। अभी तक जितना सुन लिया उतना तो मजा आ रहा है उस गाने में। और इसका जो स्टेप है इतना ऑब्सेसिव सा है ना, ऐसे करके ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, इट्स सो ऑब्सेसिव। और एकदम मतलब मनीषा रानी कितनी सुंदर दिखाई हुई है शादी के जोड़े में, कितनी प्यारी लग रही है। एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ब्राइट मेकअप किया चमक जाने वाला, एकदम न्यूट्रल मेकअप रखा है, एकदम वो आलिया भट्ट वाला मेकअप ऐसा। और मतलब कितनी क्यूट लग रही है मनीषा रानी यार। तेरी बातें करते हैं हाथों के
था ना ये मेरे हिसाब से तो अभिषेक को डेकोरेट मतलब ऐसा डेडिकेट कर देने का मन कर रहा है मेरा बहुत ज्यादा। ऐसा हो रहा है कि काश इसमें अभिषेक होता और ऐसा अभिषेक को हम एक गाना डेडिकेट कर पाते और मतलब उनपे काफी सूट भी होता है, नजर कोई ना लगे ओए ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, काफी रिलेट कर पाते हम लोग इस गाने से। पर लाइक जो मनीषा रानी के को स्टार हैं उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया और वो काफी अच्छे लग भी रहे मनीषा रानी के साथ, ऐसा नहीं है, बट स्टिल अभिषा इज द बेस्ट, टोनिशा इज द बेस्ट। मनीषा रानी को किसी के भी साथ खड़ा कर दो, उसकी केमिस्ट्री एज लाइक मैं अपनी पास्ट वीडियोस में बोलता हूँ कि उसकी केमिस्ट्री हमेशा 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 द बेस्ट द टॉप पे रहती है, क्योंकि मनीषा रानी में वो बात है, मनीषा रानी में वो मज़ा है, मनीषा रानी में वो नमक है जो कि आई डोंट थिंक सो किसी में है। मनीषा रानी बहुत अच्छी है, लाइक शी इज सो गुड, सो क्यूट, सो डेडिकेटेड, सो पैशनेट वर्ड शीज वर्क एंड ऑल। सो लिटरली मनीषा को तो बहुत ज्यादा प्यार है। रानी की शादी फाइनली, मतलब कितना अच्छा गाना है, मतलब मनीषा रानी को जिस तरीके से इस गाने में दिखाया गया है दिस इज लाइक सो 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 गुड एंड सो क्यूट। कितने सुंदर तरीके से मनीषा रानी को इस गाने में मतलब ऐसा पोर्ट्रे किया गया है एज अ दुल्हन, एकदम वो वाली जो पूरा पजेसिव है और बार बार बोल रही है कि नजर नहीं लगनी चाहिए उसकी और उसके दूल्हे की जोड़ी को, मतलब मनीषा रानी को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है इस गाने में एंड आई रियली लव दिस। मतलब मनीषा रानी को जब भी कोई अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करता है तो बहुत अच्छा लगता है देख के, दिल को सुकून ठंडक मिल जाती है। मनीषा रानी तो बेस्ट है, मनीषा रानी को मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया अब और काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, तो अगर आपने मेरी पास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लो और कॉमेंट करना मत भूलना वहाँ पे, ओके। और मतलब मेरी पास्ट वीडियोस में कुछ कुछ कमेंट्स आए हैं एक दो की इस पे बनानी है वीडियो, उस पे बना दो वीडियो, तो अभी मैं आप लोगों से ऑफिशियली पूछ रहा हूँ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको मेरा नेक्स्ट रिएक्शन किसके ऊपर देखना है, किसके ऊपर, मतलब एलविशा के ऊपर, एलविश के ऊपर, फुकरा इंसान के ऊपर या फिर पूरे अभिषा के ऊपर। अभिषा के ऊपर तो वैसे मैं पास में वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो आप वो भी देख लो, पर अगर आप लोग कहोगे एक और डालो तो मैं आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊंगा वाली वीडियो, आपके लिए जरूर नए से नए एडिट निकाल के लाऊंगा, क्योंकि एडिट्स की तो कोई कमी नहीं है और मेरे रिएक्शंस की कभी कमी नहीं होगी। आई एम एन एक्सट्रीम पर्सन गाइस, आप जिस पे बोलोगे मैं उस पे रिएक्ट करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आपको क्या चाहिए कंटेंट में अगली चीज़, आई विल मेक एवरीथिंग फॉर यू। और इफ़ यू हैव नॉट लाइक गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल तो फटाफट से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार गो थ्रू कर लो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और हाँ, एक वीडियो ऐसी है जो अभी तो ज़रूर से ज़रूर इसके बाद पोस्ट होने वाली है, वो है जमुना पार के ऊपर मेरा रिएक्शन, जमुना पार सॉन्ग टोनीशा टोनी कक्कड़ और मनीषा रानी का अभी अभी रिलीज हुआ है, उसके ऊपर मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया है तो वो हम बना चुके हैं, वो बस अपलोड होने वाले कुछ टाइम में। सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड साइड में आनी होगी बेल आइकन, उसे प्रेस कर लेना ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन अपलोड होते ही। तो मनीषा रानी के गाने तो ऐसे ही आते रहेंगे और मनीषा रानी के एडिट्स तो बनते ही रहेंगे भर भर के। But here we come to end of this video. I hope you liked it. If you do, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. मेरी वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करो, लाइक करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो वीडियो को ताकि इसकी रीच बढ़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर लुत्फ़ उठा सके। मैं जो एंटरटेनमेंट आप तक पहुँचाना चाहता हूँ आप बाकी सब तक पहुँचा दो। So I hope you loved it. If you do, तो प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ अपना, इसी चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं, इसी चीज़ के लिए हम क्रेम करते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए इतना कंटेंट बनाते हैं क्यों, ताकि आप उसको शेयर करो और लाइक और कमेंट्स कर सको। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड
एंड आई एम मेंशनिंग माय इंस्टाग्राम हियर, गो एंड चेक इट आउट. यहाँ पे जाकर भी मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आता है और आगे भी प्री प्लान्ड कंटेंट आने वाला है बहुत सारा, जो कि आपसे बहुत रिलेटेबल है. आप रिलेट कर पाओगे उसको शेयर करने में. आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होगा आपको कि येस दिस इज़ रिलेटेबल, आई कैन शेयर दिस टू एनी वन. तो ऐसा वाला कंटेंट भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव वाला कंटेंट भी आने वाला है. तो फटाफट से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो. आई होप यू लव इट. इफ़ यू डू देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें भर भर के. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड anyone else. गणपति बप्पा मोरया. गणपति भगवान सबके घरों में पधार चुके हैं और उनसे अपनी अपनी अच्छी अच्छी विशेज मांग लो, ब्लेसिंग मांग लो. भगवान करे आप सबकी विश पूरी हो. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.